सो गाइस, अगर आप लोग वियतनाम का प्लान कर रहे हो और ऊपर से वेजिटेरियन हो राइस के साथ, पाइनएप्पल डाला हुआ यार। इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर दिस वन। चीज राइस इतनी घटिया होती है कि गले से नीचे नहीं उतरती है। हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज हिमांशु एंड आई एम अ ट्रैवल ब्लॉगर। और कल के वीडियो में आपने देखा कि क्या क्या हो ची मिन्ह सिटी में आप घूम सकते हैं। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो लिंक ऊपर आई बटन में या नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। सो गाइस, जब भी आपके दिमाग में वियतनाम आता है तो सबसे पहला क्वेश्चन ये भी आता है दिमाग में कि अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप वहाँ पे कैसे सस्टेन करेंगे। तो गाइस, यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। हम लोग ने जो एक्सप्लोर किया तो हमें भी एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट मिला जहाँ पे प्योर वेजिटेरियन है। यहाँ पे हमने एक वेजिटेरियन डिश ऑर्डर करी है बेसिकली। एज यू कैन सी, ये कुछ सूप हमने ऑर्डर किया है राइस के साथ। सो अभी लेट मी जस्ट टेस्ट दिस सूप। पाइनएप्पल डला हुआ है यार, इसमें पाइनएप्पल भी है। सो बेसिकली इसमें नूडल्स है और न्यूट्रिला है, टमाटर है, पाइनएप्पल्स हैं। नाइस, अ परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर अ हेल्दी ब्रेकफास्ट। में कुछ उन्होंने ये दिया हुआ है, पता नहीं प्याज है, पता नहीं क्या है। इंडिया में तो प्याज बहुत महंगा चल रहा है अभी, 100-150 रुपए किलो, बट ये लोग यहाँ पता नहीं क्या रेट है, आई डोंट नो, बट ये लोग दे रहे हैं इसके साथ। लेट्स सी कैसा होता है। और अगर आप लोगों को इसके रिगार्डिंग कुछ भी क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ में अगर आप लोगों को इस हो ची मिन्ह सिटी के बारे में और कहाँ कहाँ प्लेसेस जा सकते हो घूमने के लिए जानना है तो आप मेरी इससे पहले वाली वीडियो देख सकते हैं। इसमें हमने प्लेसेस टू विजिट इन हो ची मिन्ह डाला हुआ है और आज भी हम लोग कुछ दो प्लेसेस रह गए थे उन्हें विजिट करने वाले हैं। देखो, अगर आप इंडियन हैं और आपको चाहिए कि ये खाना किस तरीके का है तो मैं आपको बताता हूँ। एक नॉर्मल सूप के कंपैरिजन में ये है अराउंड 7 रेट है इसका। सो इफ यू आर कमिंग हियर, इफ यू डू नॉट हैव एनीथिंग टू ऑर्डर, यू कैन ऑर्डर दिस वन। चीज साथ में एक चीज़ और है, जब भी आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं तो आपको आइस ट्री ये कॉम्प्लीमेंट्री देते हैं, बट आइस ट्री इतनी घटिया होती है कि गले से नीचे नहीं उतरती है। अब बट अपना अपना टेस्ट है, मुझे थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी तो मे बी आपको अच्छी लग जाए। तो गाइस, ब्रेकफास्ट हमने कर लिया है यहाँ पे। इट्स ओके एंड दीज बॉल्स, सो दीज आर एक्चुअली, अगर आपको चाहिए कि एकदम सिंपल डिश पी जाए या सिंपल डिश खाई जाए।